मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के चिखलदरा तालुका क्षेत्र में बिच्छूखेड़ा निवासी सुरेश जीरू उइके इस गोपालक आदिवासी के 31 पालतू मवेशी जिनमें 15 भैंसे 10 गाय 6 बछड़े टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में चराई और 10,000 के नुकसान झूठा आरोप कर पकड़कर सरकार जमा किए थे और कोर्ट में प्रकरण प्रलंबित रहते हुए व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारियों ने यह 7 लाख से ज्यादा कीमत की मवेशिया 3,60,000 रुपए में बेचकर इस आदिवासी की रोजी रोटी छीन ली। इसके विरोध में आदिवासी संगठन बिरसा क्रांति दल जय आदिवासी युवा शक्ति पारंपरिक ग्राम सभा संगठन ने मेलघाट वासियों के साथ लेकर मेलघाट विधायक राजकुमार पटेल अमरावती में जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर इनसे मुलाकात की। अमरावती जिले के जिलाधिकारी ऑफिस में इनसे भेंट कर अपने आदिवासी भाई के जानवर वापस मिलने हेतु मुलाकात और बैठक करके न्याय की गुहार लगाई। बिरसा क्रांति दल के जिलाध्यक्ष अर्जुन युवनाते महासचिव लक्ष्मण पंद्राम ग्रामसभा संगठन अध्यक्ष मन्ना दारसिम्बे बीकेडी अध्यक्ष शाखा चूर्णी नीलेश उइके राजकुमार भुसुम शिवा जामुनकर राहुल भुसुम विनोद धिकार नितिन काजदेकर नितिन जामुनकर ममेश बेठेकर सुनील बेठेकर बाबू सेलूकर किरण भुसुम संजय चिमोटे चूर्णी दहेंद्री कोटमी इस गांव के बीकेडी शाखा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और जय आदिवासी युवा शक्ति पारंपरिक ग्राम सभा संगठन ने न्याय न मिलने पर पूरे महाराष्ट्र भर सभी आदिवासी संगठनों को लेकर आंदोलन करने का इशारा दिया। मैं नीलेश सूरज उइके आदिवासी संगठना अध्यक्ष चूर्णी बिच्छूगढ़ के चार लोग मेरे पास में आके बोले कि भाई हमारे 31 जानवर टाइगर प्रोजेक्ट वाले ने जब्त कर लिए है। मैं वहां पे जाने के बाद में देखा तो वो ट्रकों में भरना चालू था भैंसा। 31 जानवर टाइगर प्रोजेक्ट वाले ने भर के डायरेक्टली परतवाड़ा लेके गए। परतवाड़ा लेके जाने के बाद में उन्होंने कहा कि हम डीवन ऑफिस में जमा करते हैं, आप लोग कल आ जाओ। हम लोग कल जाने के बाद में पता चला वहां पे भैंसा नहीं है, उन्हें डायरेक्टली हरास कर दिए गए। हम दूसरे वहां से निकल के घर आ गए। घर आने के बाद में दूसरे दिन हम लोग सभी कार्यकर्ता और आदिवासी भाई बंधु जाके अमरावती कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। पहुंचने के बाद में हमारे राजकुमार पटेल साहब से और हमारे पालक मंत्री मैडम से हम मिले। मिलने के बाद में हमने चर्चा की और उनसे कहा, मैडम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के जो जानवर है हमें उनका वापस चाहिए, उनको न्याय दीजिएगा। इसके विषय में हमने बात की और हमने कहा कि जो भी जानवर है वो हमको तुरंत वापस कीजिए, ऐसा पालक मंत्री से हमने कहा। चिखलदरा से विदर्भ न्यूज के लिए मारुति पाटनकर की ये रिपोर्ट।